तो गाइस आज हम आ चुके हैं और एक साइट में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक लेटेस्ट मॉड्यूलर किचन का काम जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने ही है। देखिए ये पूरा किचन यू शेप में बना हुआ है, बहुत ही बड़ा किचन है। टॉप में अपर कैबिनेट भी बना हुआ है 2 फीट के लेंथ में एक साइड में। इसका ये सर्विंग काउंटर है। पूरा किचन का व्यू आप देख लीजिए। मैं हाथ से शूट कर रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा हिल भी सकता है, इसलिए पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार दिख रहा है यहाँ से किचन। एक बेसिन का एरिया बना हुआ है और एक आपका बर्तन धोने की जगह बना हुआ है। तो हम डिस्क्राइब करेंगे किचन को आपके सामने। ये जो किचन है, पहले यहाँ पर एक 2 पल्ला दिया गया है जो कि वैकेंट है। यहाँ पर चाल और मतलब बड़ा चीज़ों का अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर बड़ा चीज़ आप ड्राम वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद है आपका इनोटेक ड्रायर। ये जो ड्रायर है इसका खासियत ये है कि ये 50 किलो का वज़न ले सकता है। दोनों ही इनोटेक ड्रायर है और बहुत ही सॉफ्ट क्लोज है, हल्का धक्का सा ये अंदर चला जाता है। इसके बाद है एक सेक्शन जहाँ पर हमने एक मिडिल में सेल दिया हुआ है। इसके बाद है बॉटल पुल आउट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है किचन में। देख लीजिए नॉर्मल बॉटल पुल आउट है। सब कुछ फिटिंग्स हमने जो यूज़ किया है वो हेटिक का किया हुआ है। यह है कटलरी सेट, कटलरी का बास्केट, यह कपन सॉसर और ये जो है ये थाली बास्केट। पूरा किचन अभी क्लीन नहीं हुआ है, इसके क्लीनिंग के बाद भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, तभी आप देख लेना। यहाँ पर एक पल्ला दिया गया पल्ला है, यहाँ पर सिलेंडर आएगा इसलिए इसका नीचे का बेस नहीं है। और ये जो है कॉर्नर का पल्ला है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने बीच में एक सेल दिया हुआ है। ये सिंक का एरिया है, नीचे पूरा खाली है और ये भी एक कॉर्नर का सेक्शन है। ऐसे ही ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऐसे ही हमने किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक स्लिप दिया गया है। सिंक जो हमने यूज़ किया है, ये सिंक आपका ब्लैक मैट फिनिश में है और हैंडमेड है। अभी ये ट्रेंडिंग है, वाइट के साथ बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन बनाता है। ये विंडो के सामने रखा हुआ है पूरा। ये जो टॉप में आप देख रहे हैं एक इसको हम आर्टिफिशियल टाइल्स भी बोलते हैं और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पूरा मार्बल का लुक देता है और मार्बल के जैसा स्टेन भी नहीं पकड़ता। बैकग्राउंड में हमने जो दिया है 4x2 का टाइल्स है और ऊपर वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हाइड्रोलिक टॉप क्लिप दिया गया है और ए वाला सेक्शन हम माइक्रोवेव के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए ये भी सॉफ्ट क्लोज है। ये वाला भी हाइड्रोलिक टॉप टिप्ट है। तो देखिए गाइस ये जो किचन बना हुआ है ये आपका एक्रिलिक में बना हुआ है इसलिए फिनिशिंग इतना ज़बरदस्त है। और ये कोई हैंडमेड किचन नहीं है, ये फैक्ट्री मेड है इसलिए इसका फिनिशिंग इतना शानदार है। कलर आप देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पर हमने जो जगह छोड़ा है वो 3 फीट का है। यहाँ पर चिमनी लग जाएगा, एक पावरफुल चिमनी लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा किचन है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सी यू।